Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. संगठन सरकार से बड़ा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में ये बयान देकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पार्टी में खलबली मचा दी। सवाल उठा कि बीजेपी में अंदर खाने क्या चल रहा है। सवाल ये भी उठा कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन पहली बार सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ किसी बात पर राजी नजर आए। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के बीच बात बनती दिखाई दे रही है। दरअसल यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी में सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनने लगा। सोमवार की शाम बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इसमें उपचुनाव की रणनीति बनाई गई। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम एक साथ उपचुनाव की तैयारियों की मीटिंग में शामिल हुए। दोनों डिप्टी सीएम को, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को दो दो विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। यानी अब 10 विधानसभा के उपचुनाव की सीटों को बांट दिया गया है, जिसमें दो दो सीटें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम को भी दो दो सीटें, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री को भी दो सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी नेताओं के साथ पहले से तय 3-3 मंत्रियों को भी 10 सीटों पर लगाया गया है। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी में खींचतान खत्म नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ को अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट की भी जिम्मेदारी मिली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मछवा सीट की जिम्मेदारी मिली। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को सीसामऊ और करहल सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री को भी दो दो सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने उपचुनाव को लेकर सुपर 30 की टीम बनाई थी। इसमें दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं थे, लेकिन अब उपचुनाव को लेकर पहली बार दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए। खास बात ये रही कि दिल्ली से लौटने के बाद अब बीजेपी सरकार और संगठन में समन्वय देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले 10 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी थी, तब संगठन को इससे अलग रखा गया था। लेकिन कई दिल्ली के दौरे हुए, दिल्ली में कई मुलाकातें हुई, कई बैठकें हुई, इसका असर अब दिखना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बिखरी हुई बीजेपी अब एकजुट होती दिखाई पड़ रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।